गाड़ी तो आई थी नंदेड़ साहब के लिए जो चली हुई थी गंगानगर से जो है, उसका भी टाइम 3:55 का टाइम है मेरे पास जो है, 3:55 का टाइम है, वो भी गाड़ी का टाइम था पीछे, और वो गाड़ी पास की हुई थी, उससे पहले गाड़ी गई थी, उससे हम गेट फेट के चक्कर में थे। तो बच तो कोई जानी माली नुकसान, जानी माली नुकसान क्या, जानी माली नुकसान ये है कि हमारा सारा जो सिस्टम जल गया, हमारा जो है अपना कंप्यूटर जो है टिकट भी जल गई है, आपकी जीआरपी फोर्स कितनी तैनात थी वहाँ? सारे बाहर बैठे हुए, इधर थे सारे, इधर थे, इधर भी थे, उधर थे, जहाँ था नेसे उसने, मेरे अंदर नहीं बैठा तो मेरे अंदर कोई नहीं था। जीआरपी पुलिस ने कैसे क्या कंट्रोल किया उसको? अब जीआर पंडोल वो मैं तो अंदर अपने फटाफट दरवाजा बंद कर लिया, मेरे मैंने यहाँ बाहर जाकर देखा क्या है क्या है, सेफ्टी भी देखी ना, अपना सिस्टम भी बचाना था मैंने अपना, ऊपर बोतल गिर रही थी, सबसे पहले बोतल करके मैंने तुरंत बाहर से पुलिस बुलाई, तभी वो भागे हैं यहाँ से, नहीं तो और नुकसान कर सकते। कितने आदमी आपके तैनात हैं जांच स्टेशन पर? 6 आदमी है मेरे हैं, 10 जीआरपी के हैं, और बम के साथ मेरे सबसे पहले बोतल मेरे को साइड में लगी। नौजवान लड़के थे या बड़ी उम्र के थे? नौजवान के थे, रुमाल बांधे हुए थे। नहीं, इनके जाने का एक ही रास्ता है, वहाँ पे पुलिस तैनात है, फिर वो कैसे किधर निकल गए? इधर से आए, इधर ही निकल गए। नहीं, आप एक तरफ कह रहे हैं रुमाल बांधे हुए थे, लेकिन स्टेशन के अधिकारी कह रहे हैं कि उनके चेहरे नंगे थे, बिल्कुल साफ नजर आ रहा था सब, हमने देखा। ये तो अंदर थे, बाहर मैंने देखा सर उनको, मेरे ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको जहाँ। नहीं, आपका कहने का मतलब बाहर वो रुमाल बांध के आए, अंदर आकर उन्होंने रुमाल उतार दिया? हो सकता है जब जैसे हम साइड में हो, जैसे मैं बंदे को बुलाया एकदम से रुमाल उतर गया हो किसी का, हो सकता है। नहीं, वो तो कह रहे किसी के पास भी नहीं था। नहीं